हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा दिवाली के लिए तोरण बताने वाली हूँ। ये बहुत कम ऊन में बन जाएगा। ये देखिए, मैंने जितना ऊन यहाँ पे लिया है ना, उसमें से भी बच ही जाएगा बहुत सारा ऊन। तो इसे बनाने के लिए 1.60 mm क्रोशे का यूज़ किया है। तो हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसकी खास बात ये है कि ये तोरण का पट्टी और तोरण दोनों एक साथ बनता जाएगा, इसमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे और गांठ लगाने के बाद 20 चैन बनाएंगे। 20 चैन यानी कि 20 चैन बनाएंगे। यहाँ पे बना लिया। इसके बाद एक डबल क्रोशिया लेंगे और दो चैन छोड़ के तीसरे वाले चैन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, बना लिया। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला जो चैन है उसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही करके हमने यहाँ पे जितना भी चैन बनाया था सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा तोरण का जो पट्टी होगा उसमें का फर्स्ट लाइन है। इसमें हमें कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है, बस इसको सिंपल ऐसे सारे जो चैन है उन सब में एक एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो पूरा बना के फिर आगे बताती हूँ कैसे डिज़ाइन को बनाना है। ये देखिए, मैंने पूरे चैन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे, एक चैन छोड़ देंगे, दूसरे वाले चैन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद सेम स्पेस में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद अब नीचे से सात चैन को स्किप करेंगे यहाँ पे और आठवें वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद एक चैन बनाएंगे और फिर से सेम स्पेस में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ पे। फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे सात चैन स्किप करेंगे। आठवें वाले चैन में फिर से हम सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर से सेम स्पेस में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लिया। ये देखिए, हमारा ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी तक ये तोरण का पट्टी वाला डिज़ाइन चल रहा है। अब इसके बाद हम नीचे का डिज़ाइन भी सेम इसी में बनाते जाएंगे। तो उसके लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन बनाने के बाद इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे जो दो चैन के बीच, दो डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन दिया था, वहाँ से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो बना लिया। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में दो डबल क्रोशिया और बना लेंगे, बना लिया। फिर एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पे जो बीच में है यहाँ फिर बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, एक चैन और दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो डबल क्रोशिया बना लिया। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पे, बना लिया। इसके बाद तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाने के बाद फिर से लास्ट वाले में भी सेम डिज़ाइन को हम रिपीट कर लेंगे। पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर दो डबल क्रोशिया। तो नीचे वाला जो लाइन था उसमें से हमारा तोरण के नीचे का पार्ट बनता जाएगा और ऊपर के लाइन में हमें कुछ नहीं करना है। इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, डिज़ाइन हमें इस साइड पर बनाना है। तो यहाँ से हम बिना चैन बनाए इसको टर्न कर लेंगे और जो एक चैन बनाया था वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेंगे, एक ये बना लिया। इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो दो डबल क्रोशिया यहाँ पे हो जाएगा। फिर एक चैन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया फिर यहीं पे सेम स्पेस में बना लेंगे। ये डिज़ाइन हमें पूरे तोरण के पट्टी में, पूरे लाइन में बनाना है जहाँ तक ये तोरण का पट्टी बनेगा, जहाँ जितना में हमारा तोरण कम्प्लीट होगा वहाँ तक। फिर तीन चैन बनाना है, इसके बाद ये जो बीच वाला डिज़ाइन है इसको कम्प्लीट करना है, दो डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया। इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे तीन चैन और तीन चैन बनाने के बाद फिर से ये जो पट्टी वाला डिज़ाइन है इसमें हम सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो,
ये देखिए यहाँ पे हमारा ये तोरण का पट्टी वाला डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें नीचे का पार्ट का भी इसी में बनाना है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, ये जो हमने तीन चैन बना के टर्न किया था, जहाँ पे तीन चैन वाला स्पेस था वहाँ पे पहले हम पहले दो चैन बनाएंगे और ये तीन चैन वाले स्पेस को पकड़ के यहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन ये बना लिया। अब इसके बाद फिर लास्ट में तीन चैन बनाएंगे, जब भी हम यहाँ इस वाले लाइन को टर्न करेंगे तीन चैन बना के टर्न करेंगे, तीन चैन बनाएंगे इसको टर्न करेंगे और जो ये स्पेस दिख रहा है दो चैन वाला यहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रॉस ये बना लिया यहाँ पे। अब इसके बाद दो चैन बनाएंगे, दो चैन बनाने के बाद फिर से ये जो तोरण पट्टी वाला डिज़ाइन है यहाँ पे हम सेम डिज़ाइन को बनाएंगे, पहले दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। इसके बाद तीन चैन बनाएंगे, फिर से जो बीच वाला लाइन है यहाँ पे ये देखिए ये जो बीच वाला है हम इसको रिपीट करेंगे यहाँ तक, पहले यहाँ पे दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे। इसके बाद फिर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद फिर से हम ये जो लास्ट वाला डिज़ाइन है इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, दो डबल क्रॉस या एक चैन और फिर यहाँ पे सेम स्पेस में दो डबल क्रॉस या। अब फिर से हमें यहाँ पे कुछ नहीं चेंज करना है, बस इसको सिंपल टर्न कर लेना है क्योंकि हमारा डिज़ाइन जो है इस साइड बन रहा है और ये सिंपल जा रहा है, तो इसको टर्न कर लेंगे और जहाँ पे चैन वाला स्पेस है वहाँ पे स्लिप स्टिच बना के इसको धागा को लेके जाएंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, एक डबल क्रॉस या बनाएंगे, दो डबल क्रॉस या हो जाएगा, चैन वाले को भी काउंट करना है, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में दो डबल क्रॉस या बना लेंगे। इसके बाद तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बना के अब ये वाला पट्टी यहाँ पे कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ। ये देखिए मैंने तीनों में ये वाला डिज़ाइन तो कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद फिर दो चैन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो स्पेस है तो दोनों स्पेस में तीन तीन डबल क्रॉस ये बना लेंगे दो चैन का गैप देके। तो पहले वाले में बनाएंगे, पहले यहाँ पे देखिए तीन डबल क्रॉस ये बना लिया, इसके बाद दो चैन बनाएंगे, एक दो, फिर से अब ये जो तीसरा वाला दिख रहा है ना या इसको पकड़ के और यहाँ पे फिर तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, ये हमारा इस साइड का ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमें तीन चैन बना के इसको टर्न करना है, तो तीन चैन बनाएंगे, टर्न करेंगे और जो चैन वाला स्पेस दिख रहा है वहाँ पे डबल क्रॉस ये बनाएंगे, तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रॉस ये बना लिया। इसके बाद एक दो, दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे जो दो चैन वाला स्पेस दिख रहा है वहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रॉस ये बना लिया। अब दो चैन बनाएंगे और दो चैन बनाने के बाद ये फिर से यहाँ से पट्टी वाला लाइन शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे पहले, फिर एक चैन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। इसके बाद तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाने के बाद ये तोरण का पट्टी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, फिर इसको टर्न करके सेम ऐसे ही यहाँ तक लेके आएंगे, फिर आगे बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड का ये वाला कंप्लीट कर लिया। अब फिर से यहाँ पे डिज़ाइन में देखिए ये जो डिज़ाइन है दो लाइन में एक एक बढ़ते जा रहा है, पहले एक का दो लाइन बना था, फिर दो का दो लाइन बना, अब तीन का दो लाइन बनेगा। तो फिर दो चैन बनाएंगे, यहाँ पे जो चैन वाला स्पेस है वहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। फिर दो चैन बनाएंगे और यहाँ पे फिर जो चैन वाला स्पेस है वहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। फिर दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में जो तीन चैन वाला स्पेस था वहाँ से फिर तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बना लिया यहाँ पे भी। अब ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से टर्न करने के लिए हम पहले तीन चैन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, फिर ये जो दो चैन वाला स्पेस दिख रहा है वहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, बना लिया। इसके बाद दो चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दो चैन बनाएंगे
और फिर यहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे। इस वाले लाइन में हमारा जो डिज़ाइन है वो तीन तीन का करके कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे दो चेन बनाएंगे, ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब तोरण का पट्टी जो है वो वाला डिज़ाइन बनाना है, तो हम सेम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। पहले दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक चेन का स्पेस जहाँ पे है वहाँ पे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से सेम स्पेस में दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, ऐसे ही करके हम ये पूरा लाइन कंप्लीट करके फिर टर्न करके हमने जैसे ऊपर बनाया था सारा वैसे ही यहाँ पे भी बनाएंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, इसको टर्न करेंगे, फिर जब इधर से आएंगे तो यहाँ पे बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये जो चार है, तीन है, ये चार बन जाएगा। तो चार का दो लाइन बनाएंगे, फिर पाँच का दो लाइन बनाएंगे, फिर छः का दो लाइन बनाएंगे। हमें लास्ट छः तक बनाना है, तो छः तक बना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है। देखिए मैंने यहाँ पे छः तक बना लिया, छः का भी दो लाइन बना, पाँच का दो लाइन, चार का दो लाइन, हर जो एक से लेके छः तक मैं दो दो लाइन बना है, यानी कि टोटल 12 लाइन बना हुआ है। यहाँ से देखिए ये दो का हुआ, फिर तीन का, फिर चार का, तो ऐसे करके ये पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 12 लाइन यहाँ पे बन गया ये। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ से धागा को काट करके और इसको दूसरा धागा यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या बिना काटे। तो यहाँ से धागा कट करके फिर इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से धागा को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर दूसरे कलर का धागा ज्वाइंट कर लिया। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे। अब फिर से हमें सेम डिज़ाइन को ही बनाना है, तो तीन चेन बनाएंगे, एक डबल क्रॉस ये बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर तीन डबल क्रॉस ये दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रॉस ये बना लिया। इसके बाद यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के फिर से हम यहाँ पे डिज़ाइन के बीच में फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो डबल क्रॉस ये बना के एक चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, दो डबल क्रॉस ये बना लिया। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ पे डिज़ाइन के बीच में फिर से हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो, दो बना लिया। इसके बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, टर्न करने के लिए तीन चेन बनाएंगे, जैसे हमने ये वाला लाइन बनाया था ना, सेम डिज़ाइन को हम रिपीट करते जाएंगे। तो तीन चेन बना के इसको टर्न करेंगे और यहाँ पे जो तोरण का पट्टी वाला डिज़ाइन है उसको हम रिपीट करते जाएंगे। पहले दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर दो डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद फिर से हम नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में जाएंगे और इसको रिपीट करेंगे, दो डबल क्रॉस या एक चेन और फिर दो डबल क्रॉस या बना लिया। इसके बाद फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे और फिर हम इसको टर्न करके यहाँ तक बनाएंगे। तो वहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ये बना लिया, फिर इसको टर्न किया और यहाँ तक लेके आ गई। तब यहाँ से फिर से हमें नीचे वाला डिज़ाइन बनाना है, तो पहले दो चेन बनाएंगे और ये जो तीन चेन का स्पेस था यहाँ पे, इसको पकड़ के तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रॉस ये बना लिया। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे और जो दो चेन वाला स्पेस था वहाँ पे तीन डबल क्रॉस ये बनाएंगे, एक दो तीन, तीन बना लिया। इसके बाद एक दो, दो चेन बनाएंगे और फिर से अब यहाँ से पट्टी वाला लाइन शुरू हो रहा है, तो पट्टी वाला डिज़ाइन बनाएंगे, दो डबल क्रॉस या एक चेन और फिर दो डबल क्रॉस या। उसके बाद तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाया, ऐसे ही करके हम इस पूरे लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक वाला बन गया यहाँ पे, तो ऐसे ही करके हम ये पूरा छः तक बनाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा धागा लगा के फिर से बनाएंगे, जितना भी बड़ा हमें तोरण चाहिए उतना बड़ा हम इसको बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कंप्लीट कर लिया छः का। अब इसके बाद फिर यहाँ पे मैं दूसरा धागा लगाऊंगी, आप चाहे तो यहाँ पर दो ही कलर से सिर्फ बना सकते हो। तो मैं ये पूरा बना के फिर आपको आगे बताती हूँ कि इसमें क्या करना है। देखिए मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे मैंने टोटल पांच ऐसे बनाए हैं, तीन कलर का धागा यूज़ किया है
और पांच ऐसे बॉक्स बने हुए हैं। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो आप इसको और भी बड़ा बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे लास्ट में हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग वाला लाइन बनाया था डबल क्रोशिया वाला, सेम वैसे ही यहाँ पे लास्ट में भी बना लेना है। तो जब भी आपका तोरण कंप्लीट होगा तो ये लास्ट का लाइन आप बनाना भूलना मत, लास्ट में ऐसे बनाना है हमें। तो इसके लिए तीन चेन बनाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर चैन वाले स्पेस में एक बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो बना लिया। फिर इसके बाद जो चैन वाला स्पेस था वहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक जहाँ पे हमें तोरण का पट्टी वाला लाइन जो चल रहा था ना, वहाँ तक हमें इस पर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये चैन वाला स्पेस है, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो, दो बनाया। फिर इसके बाद जो चार डबल क्रोशिया है उसके ऊपर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में जो एक स्पेस है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ तक मैंने पूरा बना लिया। अब इसके बाद इसको धागा को कट कर लेंगे। ये तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें इस पर फ्लावर बना के, ऐसे फ्लावर बना के और इसके ऊपर लगाना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, इसके बाद पांच चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन बनाने के बाद जो फर्स्ट वाला चैन है वहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके एक छोटा सर्कल बना लेंगे। बना लिया। इसके बाद तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद इस सर्कल से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन वाले को काउंट करेंगे, दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेंगे सर्कल में। ये हमारा एक कली ऐसे बन गया। ऐसे करके हमें टोटल पांच कली बनाना है, फिर तीन चेन बना के सेम ऐसे ही बना लेना है। तो ये हमारा पांच कली हो गया इसमें। इसके बाद हम यहाँ से धागा को बांध के कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब इस तोरण में हम इसको सही से लगा लेंगे। आप जिस भी कलर का तोरण बनाओगे उस हिसाब से इसको अच्छे से सेट कर लेना। फिर इसको इसके बाद क्या करेंगे, इसको सुई के हेल्प से इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे सुई से इसको सिल लिया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे झालर कट करेंगे धागा को, और यहाँ पे जो लास्ट में तीन चैन वाले स्पेस दिख रहा है वहाँ से इसको हम ऊपर के साइड लेके आएंगे और इसको इक्वल करके और एक धागा इतना ही लंबा लेंगे और इसको यहाँ पर बांधेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे झालर रेडी हो जाएगा। हमें इसमें अलग से झालर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे झालर की जगह पोम-पोम भी लगा सकते हैं मोती लगा के। अगर आपके पास मोती नहीं है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही करके हम इस पूरे में बांध लेंगे। मैंने जिस कलर का फ्लावर लगाया है उसी कलर का झालर भी लगाया है। तो ऐसे करके मैंने ये पूरा तोरण कंप्लीट कर लिया। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये तोरण। दिवाली के लिए आप भी इसे ज़रूर बनाना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ पे आपको हमेशा नए नए डिज़ाइंस मिलेंगे। थैंक यू।